हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसी एजुकेशन हब बानसूर। चलिए बेटा, कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 2 एंड वी वर डिस्कस्ड अबाउट द फंजाई। ओके, अब फंजाई को मेनली 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, फाइकोमाइसिट्स, एस्किमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स एंड ड्यूटेरोमाइसिट्स। ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एस्कोमाइसिट्स एंड फाइकोमाइसिट्स। ओके बेटा, तो सबसे पहले फाइकोमाइसिट्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, बहुत जनरल से फीचर है, क्योंकि मेनली जो मेन फीचर्स थे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी के बारे में कुछ इनमें डिफरेंट चीजें बताई गई है। तो एक्वेटिक हैबिटेट है, मेनली वाटर में रहती है। माइसीलियम आपको पता ही, इट इज द नेटवर्क ऑफ हाइफा। और हाइफा क्या है? इट इज द लॉन्ग ट्यूबुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर। ओके, ये कैसा होता है? एसेप्टेट होता है। एसेप्टेट यानी आप सिनोसिटिक भी बोल सकते हैं। आपको बताया था मैंने कि जब हाइफा कंटिन्यूअस होते हैं और मल्टी न्यूक्लियेटेड होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? दीज आर सिनोसिटिक और एसेप्टिक। ओके, सो आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे जू स्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स। ओके, फाइकोमाइसिट्स में आपको मैंने बताया था कि कुछ स्पेशल स्पोर्स होते हैं इनमें, जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में पार्ट प्ले करते हैं। तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जू स्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स की हेल्प से करते हैं। याद रखना है आपको एनसीईआरटी के हर पॉइंट आपको याद रखना है। जू स्पोर्स मोटाइल होते हैं, दे कैन मूव, एंड एप्लेनोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल। ओके, और ये स्पोर्स किसके अंदर होते हैं? स्पोरेंजियम, विच इज अ फ्लूटिंग बॉडी, उसके अंदर ये डेवलप्ड होते हैं। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली किससे होता है? जायगोस्पोर्स से। ओके, जायगोस्पोर्स अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट देयर मॉर्फोलॉजी, हाउ दे लुक लाइक, तो जायगोस्पोर्स आइसोगैमस भी हो सकते हैं। जायगोस्पोर्स क्या होते हैं? व्हेन दे फ्यूज्ड, ओके, व्हेन गैमेट्स आर फ्यूज्ड दे फॉर्म जायगोस्पोर्स। तो जायगोस्पोर्स आइसोगैमस भी हो सकते हैं, यानी जो सेम सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल गैमेट्स हैं वो भी कंबाइन कर सकते हैं, आइसोगैमस और एनआइसोगैमस, जो सिमिलर नहीं होते, यानी उनका जो साइज है, उनका जो सेप है, ठीक है, वो सिमिलर हो सकता है। तो सिमिलर होगा तो आइसोगैमस और सिमिलर नहीं होगा तो एनआइसोगैमस। तो जायगोस्पोर्स किसमें काम आते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इज दैट क्लियर बेटा? अब इसके एग्जांपल्स है म्यूकर, अंडरस्टैंड, एनसीईआरटी में आपको पिक्चर दी हुई है, तो आपको देखना है। राइजोपस, इसको आप ब्रेड मोल्ड भी बोल सकते हैं। ओके, और एक इसमें होता है एल्बिगो कैंडिडा, एल्बिगो बोलते हैं इसको। दिस इज द पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। और देखिए, ये ना बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है फंजाई की, सबसे बहुत सीधी सादी फंजाई है फाइकोमाइसिट्स। ओके, तो कोई बहुत ज्यादा इसमें आपको याद करने वाली बात है नहीं। माइसिलियम आपको ध्यान रखना है, एसेप्टेड, सिनोसिटिक है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल जो है वो जू स्पोर और एप्लेनोस्पोर से होता है। जू स्पोर कैसे होते हैं? मोटाइल, ठीक है, जो जूम 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 करते हैं। और एप्लेनोस्पोर कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल। किसके अंदर होते हैं? स्पोरेंजियम के अंदर होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? जायगोस्पोर से। ओके, ये स्पोर आइसोगैमस भी हो सकते हैं, यानी सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी और मे बी डिसिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। एग्जाम्पल आपका म्यूकर है, राइजोपस दैट इज नोन एज ब्रेड मोल्ड, एंड एल्बिगो विच इज पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। ओके, सेकंड क्लास की हम बात करते हैं एस्कोमाइसिट्स। ओके, एस्को का मतलब क्या होता है? बैग लाइक, सेक लाइक। तो इन फंजाई का एक तो आपको कॉमन नेम ध्यान रखना है, सेक लाइक फंजाई या सेक फंजाई भी कहते हैं इनको, ठीक है। बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यू नो सेक मीन्स बोरी, कुछ भी फील कर लो उसके अंदर। ओके, इसके एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले ईस्ट है, ये आपको याद रखना है, यूनिसेलुलर है, बिकॉज एक्सेप्शनल है तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ईस्ट आपको बताया, एक तो अल्कोहल की फॉर्मेशन में, कमर्शियली जो अल्कोहल की प्रोडक्शन करते हैं वहां पे ईस्ट का यूज होता है। साथ में इसको बेकरीज ईस्ट भी बोलते हैं, बेकरी, ठीक है। सैक्रोमाइसिस थ्रीवेसी इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये बेकरी वगैरह में जो भी आप इडली डोसा वगैरह जो भी बनाते हैं तो उसमें भी ईस्ट यूज होता है, ठीक है, ब्रेड वगैरह बनाने में। तो ईस्ट कैसा है? यूनिसेलुलर है, आपको याद रखना है, अल्कोहल की प्रोडक्शन में, ब्रेड की फॉर्मेशन में ईस्ट यूज होता है। फिर पेनिसिलियम तो क्या होता है? एंटीबायोटिक है, दिस पेनिसिलिन। ओके, तो पेनिसिलियम इज एंटीबायोटिक। पेनिसिलियम किसमें काम आता है? ये एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में काम आता है पेनिसिलियम, ठीक है।
एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में काम आते हैं। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल है एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूरोस्पोरा जितने भी जेनेटिक वर्क्स जो होते हैं, जेनेटिक वर्क्स में क्या होता है, डीएनए की कटिंग होती है, इंसर्शन होता है, कॉपी फॉर्मेशन होता है, तो वो सारा है उसमें न्यूरोस्पोरा को काफी यूज किया जाता है। ठीक है, कुछ एडिबल फंजाई होते हैं, एडिबल इसमें मोरेल्स हैं, बाफेल्स हैं, तो आपको ये भी याद रखना है एडिबल यानी टेस्टी होते हैं, काफी डिलीशियस होते हैं ये, तो मोरेल्स बाफल्स इनको ईट भी किया जाता है, एडिबल है। तो ये तो थे इसके एग्जाम्पल, यानी सैक फंजाई बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है यूनिसेल, और ईस्ट है, इसको आप एल्कोहल की प्रोडक्शन और ब्रेड की प्रोडक्शन में भी यूज करते हैं, बेकरीज ईस्ट भी कहलाता है ये। ठीक है, पेनिसिलिन से क्या होता है, एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन होती है पेनिसिलिन। न्यूरोस्पोरा मेनली जेनेटिक के वर्क में काम में यूज होता है, और एडिबल मोरेल एंड बफल। अब बात करते हैं, देखिए ये कैसे होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो सैप्रोफिटिक होती है, कुछ डिकम्पोजर्स भी होते हैं, यानी जो डिकम्पोज करते हैं इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को स्मॉलर या सिंपलर मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं। पैरासिटिक और कोप्रोफिलस, कोप्रोफिलस यानी जो एनिमल डंग होते हैं उन पे भी ये ग्रो करते हैं, ग्रो ऑन एनिमल डंग। ठीक है, तो कोप्रोफिलस यानी एनिमल डंग के ऊपर भी ये ग्रो करते हैं। माइसिलियम कैसा होता है, ब्रांच और सेप्टेट होता है। फाइकोमाइसिस में आपने देखा था एसेप्टेट सिनोसिटिक था, बस इसमें कैसा होता है, ब्रांच्ड और सेप्टेट। अब बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कोनिडिया से होता है। ठीक है, कोनिडिया होते हैं, कोनिडिया कोनिडियोफोर्स के अंदर ग्रो करते हैं एक्सोजीनियसली। एक्सोजीनियसली का मतलब क्या समझिए, दो वर्ड्स है, एक एंडोजीनियस है, एक एक्सोजीनियस है। एक्सोजीनियस का मतलब फॉर एग्जाम्पल ये कोनिडियोफोर्स है तो इसके बाहर, ठीक है, इस तरह से कोनिडिया डेवलप होते हैं। अंडरस्टैंड, कोनिडियोफोर के एक्सोजीनियसली, अंडरस्टैंड बेटा। और फिर कोनिडिया जो है डेवलप करके माइसिलियम को प्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स की बात करते हैं, इसमें एस्पोस्पोर्स होते हैं। एस्पोस्पोर्स एंडोजीनियसली ग्रो करते हैं किसके अंदर, एस्की के अंदर, और एस्की ग्रो करते हैं एस्कोकार्प के अंदर। यानी फॉर एग्जाम्पल ये कोई बॉडी है आपके पास, ये एस्कोकार्प है, ठीक है, इसको आप फ्रूटिंग बॉडीज कह सकते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज।